नमस्कार, मेरे स्कॉर्पियो मित्रों, स्वागत है आप सभी का अनुशन स्टडीज टीवी में। और मैं लेके आऊँ आपके लिए मंथ ऑफ अप्रैल, यानी के इस अप्रैल के महीने में आप लोगों के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा सितारों का। आसमान में उड़ने वाले सितारे, दिखाई देने वाले सितारे आखिर इस जमीन पर रहने वाले लोगों को कैसे प्रभावित कर देते हैं, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो आपको मैं देने जा रहा हूँ आपको पसंद आएगी। सबसे पहले स्कॉर्पियन को कहूँगा कि अप्रैल महीना जो है स्कॉर्पियो लगन में ही शुरू हो रहा है। अर्धरात्रि को, यानी कि 1 अप्रैल अर्धरात्रि के समय जब महीना बदलेगा, जब हम कहेंगे 1 अप्रैल हो गई है, उस समय स्कॉर्पियो लगन यानी कि वृश्चिक लगन जो है वो अपना एक्शन ले रहा होगा। उसमें सारी सृष्टि जो है वो घूम रही होगी और उस समय मंगल और शनि, वृश्चिक लगन का स्कॉर्पियो लगन का जो मालिक है, राशि का जो मालिक है वो मंगल है, जो सेकंड हाउस, हाउस ऑफ फाइनेंस में बैठा होगा। वहीं जो आपके सिक्स हाउस का मालिक भी है, जो सिक्स हाउस जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ जुड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक परिवर्तन जो है, चाहे जो शुरुआत जो है महीने की स्कॉर्पियो लगन या राशि वाले लोगों के लिए एकदम बेहतरीन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें धन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको बेहतरी की ओर लेके जा रही हैं। यानी कि फाइन, जिसके पास, जिसके पॉकेट में पैसा है, जिसकी अच्छी इनकम है, भाई उसका तो हर दिन अच्छा ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए ये एक अच्छी शुरुआत अप्रैल महीने की होने जा रही है। लेकिन इस सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपकी हेल्थ की। यही मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ के मामले उन लोगों को खास तौर पे सावधान रहना होगा जिनको पेट से जुड़ी कोई भी तकलीफ है, जिनको जॉइंट से जुड़ी कोई भी तकलीफ है, जो पाइल से जो है परेशान है, उनको खास तौर पे अपने खान पान के ऊपर ध्यान देना होगा। अन्यथा ये जो अच्छा महीना फाइनेंशियली दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वर्जिश करें, यानी कि जिम ज्वाइन कर लें, कुछ योगा प्राणायाम वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए बेहतरीन स्थिति रहेगी। हेल्थी खाना खाएं, निश्चित तौर पे आप मंथ ऑफ अप्रैल को एंजॉय करेंगे। धन की बात जैसे मैंने पहले कही, पारिवारिक जो स्थितियां हैं, धन की जो स्थिति है वो इस महीने में आप लोगों की बेहतरीन होने वाली है। फाइनेंशियली आप सिक्योर रहेंगे, हालांकि मुश्किलें आती रहती हैं, आएंगी भी, आपके पास के जितने भी एफर्ट्स हैं उनमें प्रगति भी होगी, उनमें प्रोग्रेस भी होगी, लेकिन फिर भी कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं। तो उन कमियों को दूर करने की आपने भरपूर कोशिश करनी है। रिश्तों को मधुर बनाने में आपको लाभ होगा और मुझे लगता है कि उन अननेसेसरी चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए जिनके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। कारण कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपसे खुश हैं और कुछ लोग आपसे, उनको कंप्लेंट है, उनको शिकायत है कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। कुछ लोग आपको झूठा नाम दे सकते हैं, दे रहे हैं। आप इन सब चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ते चले जाएं, मंजिल अपने आप आपकी ओर आती चली जाएगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप लोग सिक्योर हैं, रिश्तों नातों में भी आप सिक्योर बने रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। शनि जो आपके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, निश्चित तौर पर इस बार आपकी लगन को, आपकी राशि को रूल भी कर रहा है। तो ये भी दिखा रहा है कि आपका ध्यान ज़्यादा होगा, केंद्रित होगा फाइनेंशियल चीज़ों की ओर, पारिवारिक चीज़ों की ओर आपका ध्यान रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से बनाने के लिए भरपूर मेहनत तो करनी है, लेकिन ठंडे दिमाग से आपने सोचना है। गुस्से से अगर कुछ भी करेंगे तो कुछ बनी बनाई बातें बिगड़ सकती हैं। वहीं आपके एफर्ट्स की बात करूँ, थर्ड हाउस आपका जो है उसमें केतु की पोजिशन है। थर्ड हाउस में केतु का होना, यानी कि एक छाया का आपके पराक्रम में बैठ जाना और छाया साथ ही साथ शनि का दूसरे घर में चले जाना, तो ऐसा लग रहा है कि जो छाया है, कुछ लोग हैं आपके अपने जिनके ऊपर आपको बहुत विश्वास था, वो कहीं ना कहीं आपको डिच, आपको धोखा करने की देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहें। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके अपनी लगन के, अपनी राशि के मालिक मंगल बहुत स्ट्रांग है और शनि भी उनके साथ बैठे और धन भाव में आ गए, तो निश्चित तौर पर कहीं, कई बार कहते ना, कुछ दाव जो सामने वाले चलते हैं उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है और आपको जीत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं केतु चाहे कितना भी छाया को लेके बैठा हो, लेकिन शनि की खुद की स्थिति अच्छी होने से हर दाव जो है वो आपकी फेवर में चला जाएगा और आपके एफर्ट जो है वो आपको तरक्की की ओर लेते चले जाएंगे। बस एक ध्यान आपने रखना है कि स्पीच जो है, बोलना जो है, अग्रेशन जो है, जो आपका रिएक्शन जो है वो बहुत संतुलित होना चाहिए, वेल बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज कहीं आपके खुद की ही जुबान आपके लिए खतरनाक ना हो जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर मैं आपके घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी की बात करूं, माता पिता की बात करूं, तो मैं कहूंगा कि फोर्थ हाउस आपकी कुंडली में, जब मैं देख रहा हूं तो उसका भी संबंध शनि के साथ है और शनि आपकी कुंडली में इस समय अच्छा बैठा हुआ है और साथ ही साथ सारस्वती का प्रभाव भी है। लेकिन क्योंकि शनि आपके लिए शुभ फलदायक है तो इसलिए सारस्वती आपको ज़्यादा प्रभावित इस महीने में करने वाली नहीं है। तो कुल मिला के घर, गाड़ी में इन्वेस्टमेंट के योग बन सकते हैं,
आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। डोंट डिले, जितनी जल्दी कोई चीज़ें अगर हो सकती हैं उसमें उतना ही आपको लाभ होगा। माता की सेहत पहले से बेहतर होगी, उससे अच्छे संबंध बनेंगे, फाइनेंशियल गेन आप दोनों के एक दूसरे से हो सकता है, तो उसकी ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको अगर किसी तरह से भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस मान लो किसी तरह से आ जाता है, आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे कम है, तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि अपनी मदर के आशीर्वाद से, कई बार माता के पास पैसे नहीं होते लेकिन उनका आशीर्वाद ही एक बहुत बड़ी जो है धन होता है, तो उनका आशीर्वाद जरूर लेके कोई भी काम शुरू करें तो उस काम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। वहीं आपके संतान भाव की बात करूँ तो वहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो पाइसेस राशि जो है और उसमें सूर्य और बुध, बुध वहाँ पे डिवेलिटेटेड है और रेट्रोग्रेड और कंबस मोशन में भी रहेंगे, लेकिन सूर्य जो है वहाँ पर बैठे हुए पंचम भाव को एक अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि संतान संसार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनसे आपको राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। समय के साथ धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्थितियाँ पहले से बेहतर हो रही है। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है, जो लोग संतान चाहते हैं उनको संतान मिलेगी, संतान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर भी होंगी, लेकिन लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाएंगी। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को कहीं रह जाने दीजिए, आप आगे बढ़ते चले जाइए और समय का अच्छी तरह से आनंद उत्सव मनाएं, वो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपके सिक्स हाउस की, जिसमें वीनस बैठे हुए हैं और मंगल जो है बिल्कुल उसको आस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मंगल की राशि है, तो कहीं ना कहीं ये एक स्थिति ऐसी है कि अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, आपका कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेशन करना है, तो कहीं ना कहीं विजयश्री आपके हाथ लग सकती है और आप अपने एनिमीज को दबाने में कामयाब हो जाएंगे और आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। वहीं सेवंथ हाउस की बात करूं रिलेशनशिप की, तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड वीनस जो है कमजोर स्थिति में बैठा हुआ, तो इसलिए अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का पूरा भरपूर प्रयास करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी व्यस्तता में लगे रहें और अपने पार्टनर को, अपने साथी को आप समय नहीं दे पाएं, तो निश्चित तौर पे ये ड्यूटी भी तो आप ही की है, एक दूसरे का साथ बना रहे ये बहुत जरूरी होता है। हम किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो ये सारे के सारे एफर्ट जो हैं बेकार के हैं। तो इसलिए जीवन में खुशियाँ और हर मोमेंट को जी लेना ही सबसे बड़ी कला होती है, उसको आपने करना है। अगर आप ये कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छी स्थिति आपको मिलेगी और आप इसमें लाभ ले पाएंगे। वहीं साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग शादीशुदा उम्र के लिए योग्य हो चुके हैं, उनके लिए अच्छा अवसर भी मिल सकता है कि उन्हें कोई किसी के साथ मीटअप करने का मौका मिल जाए, कोई आपको इंट्रोड्यूस कर दे किसी के बारे में, तो इस चीज़ को आप रोके नहीं, आगे बढ़ें, किसी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने का भी अवसर मिलेगा। तो कुल मिला के ये महीना आप लोगों के लिए एक बेहतर महीना साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अष्टम भाव की बात करूँ, आपके अष्टम भाव में यानी कि मिथुन राशि जेमिनी राशि आपके अष्टम भाव में है और बुध जैसे मैंने पहले कहा कि रेट्रोग्रेड है और पंचम भाव में बैठा हुआ संतान से जुड़ा हुआ, तो संतान की ओर से कुछ चिंताएं जरूर, लेकिन संतान बहुत अच्छा कुछ करेगी, ऐसी ग्रहों की स्थिति भी बनी हुई है। अब आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो आपको अपने बच्चों के ऊपर भी थोड़ा विश्वास तो करना ही होगा, यानी कि देर आए दुरुस्त आए, आप अगर इस चीज को लेकर चलेंगे तो उससे लाभ होगा। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि अगर अष्टमेश पंचम के साथ जुड़ जाए तो उन लोगों के लिए दिक्कत जरूर हो जाती है जो चाहते हैं कि आगे परिवार में बच्चों की प्राप्ति हो, जो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर देना होगा जिससे आपके लिए एक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। बात करूँ आपके भाग्य की, तो राहु आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं आपको जैसे पता ही है, और वहीं राहु का भाग्य स्थान में होना, भाग्येश का लाभ स्थान में होना, ये एक बहुत ही अच्छी योग जो है आपकी कुंडली में इस महीने में बना हुआ है, तो इसका मतलब कि आपका भाग्य आपके लाभ को बढ़ाने में पूरा पूरा काम करेगा। साथ ही साथ यही कहूंगा कि दुष्प्रचार, लोग आपके जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग आपको ब्लेम कर सकते हैं, आपको बुराई देने की कोशिश करते हैं, अगर आप उसमें उलझ गए तो निश्चित तौर पर आपका समय खराब होगा, और अगर आप अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य प्रबल होकर आपके लिए जो परिस्थितियां हैं, जो आपको लगता है कहीं आप उलझे हुए हैं, उसको आपकी फेवर में बदल देगा। तो कुल मिला के भाग्य आपके पूरे पक्ष में। वहीं माता पिता की जो स्थिति है उसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको धीरज बनाए रखना होगा, थोड़े से मतभेद उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ही माता पिता का आशीर्वाद हमेशा ही हम सब के लिए अच्छा होता है, तो आशीर्वाद की स्थिति में अपने आप को बनाए रखें। जैसे आपके कर्म स्थान की बात करूँ तो दशम स्थान में आपके सूर्य
कि सिंह राशि है और सूर्य इस समय पंचम भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं नाम शोहरत आपको मिलने वाली है। कुछ रुकावटें, कुछ चेंज, कुछ फेरबदल आपके कामकाज में हो सकता है या हो रहा है, तो उसको होने दीजिए, लेट इट हैपन। क्या कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को पकड़े रहते हैं और उसमें हमें पेन ज़्यादा होता है, हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, रिजल्ट कम होता है, आउटकम हमें नहीं मिलता है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कई बार कुछ चीज़ों को हो लेने देने में आपके लिए ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी होंगी। ये परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा और आने वाले दिनों में आप इस परिवर्तन का लाभ लेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे, मोर एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ दिखा रही हैं और मुझे लगता है कि आप प्रोफेशनली करियर वाइज बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ की बात मैंने पहले की कि इस समय चंद्रमा जो है आपके भाग्येश होकर लाभ स्थान में बैठे हुए, तो आप लाभ तो बना ही लेंगे। ये टेक्निक आपसे बेहतर कौन जानता है। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि जितनी भी टेक्निक दुनिया में है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो स्कॉर्पियन है जो नई ईजाद करते हैं, एक नया इन्वेंशन कर लेते हैं कि ऐसे नहीं, हमें इस तरह से चलना है। तो ये है हमें रोशनी देने के वाले लोग, तो इनके ऊपर हमें भरोसा रखना होगा और आपको तो खुद के ऊपर भरोसा रखना ही है। कुछ लोग आपसे यूँ ही पीड़ित रहते हैं क्योंकि आप बिच्छू की तरह डंश भी देते हैं ना, आप चिंता नहीं करते हैं, जब आपको कहना होता है तो आप कह ही देते हैं। लेकिन लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बेहतर बेहतर बनी हुई हैं, तो इसका मतलब इनकम बनी रहेगी, धन की आमद होगी और चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। वहीं जुपिटर आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं जो ब्लैसिंग के कारक हैं, तो इस समय ब्लैसिंग लेते रहना बहुत अच्छी बात है, धर्म स्थान में आते जाते रहना बहुत अच्छी बात है। यात्राओं का सिलसिला अगर बनता है आने वाले दिनों में, तो निश्चित तौर पे आप किसी छोटी बड़ी यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूर देश में कहीं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, वहाँ से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कोई ऐसा ऑफिशियल काम जिसमें जैसे होम ऑफिस आदि से वीजा की कोई एप्लीकेशन आपने डाली हो, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि मंथ ऑफ अप्रैल जो है स्कॉर्पियो राशि के लिए एक बेहतरीन मंथ साबित होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं यही कहूँगा, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और एक अच्छे तरीके से अपने इस मंथ को बनाने की कोशिश करें। आपके एफर्ट्स ही डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि आखिर आप क्या अचीव करने वाले हैं इस महीने में, क्योंकि आप हर बार शिकायत नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, अब आपका आपको ही उसका फायदा जो है वो लेना होगा। उपाय के रूप में कहूँगा, धर्म स्थान में आते जाते रहना बहुत बहुत जरूरी है, आते जाते रहें, अगर हो सके तो किस तरह का मीठा जो है वहाँ पे दान करते रहें, किसी भी रंग का हो सकता है। और साथ ही साथ अपने पार्टनर से अच्छे संबंधों को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करें। अगर आप कहते हैं भाई मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पे गाय सेवा करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस समय की तरह अगर आप घर में कोई सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट रख लेते हैं, मेल्स के लिए खासतौर पर अगर फीमेल सर्वेंट आपके घर में काम करती है, तो निश्चित तौर पे इससे भी आपके कारोबार में, आपके सक्सेस में चार चांद लगेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ग्रहों में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जो बातें मैंने आपको जानकारी दी है, बताई हैं, वो आपके लिए लाभदायक होंगी, इसका पूरा लाभ आप ले पाएंगे, आपकी इच्छा अनुसार आपको फल मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लूँगा इजाज़त। अगर ये जानकारी आपको पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलूंगा मैं आपसे और बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने के यानी के मंथ ऑफ मई के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।